हादी घर पे है? जी नहीं, वो तो घर पर नहीं है। कौन है बेटा? आवा जी, ये भाई से मिलने आई है। हाय। आप अंदर जाइए। जी। आपने आज हादी के साथ फोन पर भी बात की थी? जी हाँ, एक्चुअली मैं हादी के साथ उसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। वो अपनी बुक भूल गया था तो मैं उसे वापस करने आई हूँ। क्या आपके पास यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तमाम लड़कों के घर के एड्रेस हैं? क्या अगर गलती से कोई किताब भूल जाए तो आप उसे वापस पहुंचा सके? आप कुछ गलत समझ रहे हैं सर, मैंने हादी का एड्रेस उसके एक दोस्त से लिया है। इंसान के किरदार की गवाही के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं होती बेटा। सर मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मेरे पापा इस शहर के एक बहुत बड़े। हमें इस बात से कोई गरज नहीं कि आप किसकी बेटी हैं। हम तो आपको सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हमारी रिवायात और अकदार आपसे बहुत मुख्तलिफ हैं। आपके यहाँ जिन मशागिल को महज दिल बहलाने का जरिया समझा जाता है, हमारे यहाँ उसको सख्त नापसंद किया जाता है। इट्स टू मच सर। इसीलिए तो कह रहे हैं कि हमारे बेटे से दूर रहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कल को आपकी तरह वो भी हमारी नसीहत को टू मच समझने लगे। आज मुझे तुम्हारे एटीट्यूड की सब समझ में आ गई है। जिस तरह के अजीब लोगों में तुम रहते हो, वहां तुम्हारा एटीट्यूड ऐसे ही हो सकता है। माय गॉड, किस दौर में जी रहे हो तुम लोग। बहुत प्यारी लड़की थी, आपकी तो उससे मुलाकात नहीं हो सकी ना। अपने आगा जी का मूड देखा है ना भाई, आपकी सानिया से मुलाकात हुई? जी, आगा जी ने उससे मिल लिया, यही काफी है। क्या मतलब, क्या बात है? पता नहीं सुल्तान मौजम ने उसको क्या कह दिया, बंदा यही सोच रहा था कि वो मेहमान है। ओहो, खैर तो है भाई, बड़ी हमदर्दी हो रही है उससे। इंसान बनो मानूर। अम्मी, मेरा उसका ऐसा वैसा कोई ताल्लुक नहीं है, वो खामोखा खुद ही मेरे पीछे पड़ी हुई है। खैर अब बिला वजह तो पीछे नहीं पड़ी होगी। क्या मतलब है तुम्हारा? किसी भी लड़की के पीछे पड़ने के लिए यही वजह काफी है कि मेरा भाई लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। क्यों अम्मी? अपनी राय अपने पास रखो, पता है ना आगा जी को इस तरह की बातें पसंद नहीं। ठीक कह रही अम्मी, भला सुल्तान मौजम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि उनकी सल्तनत में कोई और शख्स अपनी राय कायम करे। हादी, मुझे तुम्हारे इस लहजे से खौफ आने लगा है, कैसी बातें कर रहे हो तुम भाई? वैसे सच क्या है मुझे तो बता देना। कुछ सच नहीं है ऐसे खामखा चीज हो। मुझे बताया है बच्चों ने, अब ये ऐसी बड़ी बात भी नहीं कि आप यूं परेशान हो जाए। उस लड़की के इस घर में आने से हमारा ये एहसास और पुख्ता हो गया है कि हमारा हादी जवान हो चुका है। माशाल्लाह, वो हमारा बेटा है, जमाने की रोशनी से अच्छी तरह वाकिफ है। हाँ, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कि जमाने की हवा कब किसे अपनी लपेट में ले ले। आप किस उलझन में हैं? ज़ारा बेगम, आपने राबिया खातून की बेटियों को तो देखा है। हम चाहते हैं कि अपने हादी के लिए वहां बात करें। लेकिन आगा जी, वो कहिए, बेटे के सामने अंदेशा जाहिर करने से बेहतर है कि आप अपना अंदेशा हमारे सामने बयान करें। नहीं, यकीनन आप बेहतर सोच रहे होंगे, लेकिन राबिया बहन की बेटियों की परवरिश तो गांव में हुई और हादी। आप हादी से उसकी राय लें। मैं माँ हूँ उसकी, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो किसी भी अनपढ़ लड़की से तो शादी नहीं कर सकता। तो फिर उसे ये भी बता दीजिए कि हम आजकल की तहजीब की आंच से
अपनी रिवायात को झुलसने नहीं देंगे। जी वो जानता है अच्छी तरह से। भाई बताए ना क्यों यहां क्यों आई थी? कोई तो चक्कर जरूर है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? खुद से अंदाजे लगाने लगती हो हर बात के। जो भी है मुझे तो वो बहुत अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो जाओ उसे फोन करो और उसे बता दो मैं क्या करूं। नंबर मेरी जान छोड़ो प्लीज फॉर गॉड्स सेक। तो क्या हो गया है? तुम्हारी तो सुई जहां अड़ जाए ना हिलती नहीं वहां से। चलो यहां से मुझे बात करनी है हादी से। चलो क्या बात करनी है? तुम्हारे आगा जी को वहम हो गया है। कैसा वहम? अचानक वो तुम्हें बहुत बड़ा समझने लगे हैं। तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। क्या और किससे? वो गांव में उनकी कजन है ना रबिया, उनकी किसी एक बेटी से। उफ मेरे खुदा क्या हो गया अचानक आगा जी को? उन्हें अम्मी सिर्फ इतना कह दीजिए कि उनका बेटा जितना मर्जी बड़ा हो जाए लेकिन उनके हाथों से नहीं निकलेगा। मतलब मुझे अपनी एग्जाम्स की टेंशन है और उनको मेरी शादी की पड़ गई है वो भी गाँव में। ओहो कि उन्होंने हुक्म थोड़ी दिया है, सिर्फ मर्जी जानने को कहा है। तुम्हारी मर्जी पता चल गई है ना? प्लीज उनको जाके कह दीजिए, साफ साफ कह दीजिए। थैंक यू। हालत हो गई शादी का अचानक, मतलब मेरे से भी कुछ और चल रहा है, उन्हें शादी की पड़ गई है। गरी मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस घर से खामोशी से रुखसत हो जाओ। ये खामोशी मेरे जिस जुर्म की सजा है वही जुर्म तो मेरी रिहाई का बायस बन रहा है। प्लीज सरी अपने दिल से नफरत निकाल दो। चाइना ठीक कह रही है। इस घर और इस घर में रहने वालों ने हमें बहुत कुछ दिया है। तुम कह सकते हो खान जी इतनी ऊंची यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन ना कराते तो तुम उनकी इनायत के गुण ना गा रहे होते। सुनो जरी तुम्हें हर कोई सेल्फिश नजर क्यों आता है? अगर बाबा ने हसकील को हर आसाइश दी है तो तुम्हें भी बहुत प्यार दिया है। मुझे आज भी याद है जब हम बचपन में झगड़ा करते थे ना तो बाबा मुझे ही डांटते थे। उनके दिल में तुम्हारे लिए वैसी ही मोहब्बत है और उस मोहब्बत की दलील ये है कि उन्होंने शुजा भाई को हाँ कह दी। बस करो शायना इसे हमारी बात समझ नहीं आएगी। तुम अब तक हसकील से नाराज हो? भाई है वो मेरा, मैं राजी रहूं या नाराज तुम्हें क्या मसला? वो तुम्हारे जाने की वजह से पहले ही उदास है जरी। ये सारा हंगामा उसी की वजह से तो खड़ा हुआ है। अगर मेरे आने तक थोड़ा सबर कर लेता तो खान जी के कानों में इस बात की भिनक भी न पड़ती। जरी कोई भी गैरतमंद भाई इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। खान जी के टुकड़ों पर पलने के बावजूद इसमें गैरत बाकी है, हैरत है। जरी तुम मेरे सामने खान बाबा को कुछ भी कह देती हो और मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। अच्छा बाबा ठीक है ठीक है, अब मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। यू भी मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, ना मैं रहूंगी और ना ही मेरी बातें। तुम ऐसा क्यों समझती हो कि सबके साथ रिश्ता तोड़कर जा रही हो? शुजा भाई के साथ रिश्ता जुड़ जाने का मतलब ये तो नहीं है कि सब लोगों के साथ रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हें दिल की बात बताऊं शायना, शुजा के बाद मुझे किसी और से रिश्ता रखने की ख्वाहिश भी नहीं है। खुदा करे जरी शुजा भाई पे तुम्हारा एतबार इसी तरह कायम रहे। वो तुम्हें इतनी मोहब्बत है कि हम में से कोई तुम्हें याद ना है। तेरा प्यार ये सब जरताश को दे दो। माना कि खान जी ने उसे खाली हाथ जाने को कहा था लेकिन फिर इसमें भी तो हमारी तोहीन है ना जी। तुम्हारा अपना जेवर भी तो काफी है, वो भी उसके लिए काफी होगा। मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाती हूँ भाभी। भाभी अगर खान भाई इजाजत दें तो मैं आगा जी को शादी पर बुलवा लूं। होश में तो हो तुम? शुक्र करो कि खान जी ने तुम्हें सुन नहीं लिया। हम अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी को दावत नहीं दे रहे और तुम हो कि हमारा तमाशा बनाने चली हो। फिर भी भाभी खून तो खून ही होता है ना। खुदा के लिए अब इस घर में कोई नया हंगामा खड़ा मत करना। अरे खान जी आप अभी तक सोए नहीं? आंसर
अपनी बेटी को बुलाओ। अपनी बेटी को? खान भाई, क्या आप सरताज से इतनी नफरत करने लगे? मैंने कहा बुलाओ अपनी बेटी को। जी